इंटरव्यू, जहां आज हम आपको रूबरू करवाएंगे बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों। दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट इस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं। दोनों ही अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेते। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सिनेमा के बेहतरीन सितारे मौजूद थे। इस इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने सभी के सामने आलिया भट्ट की शादी की बात कही। आपको बताते चले कि काफी समय से रणवीर और आलिया भट्ट की शादी की खबरें सुर्खियों पे छाई हुई थी, मगर दोनों सितारे इस पर चुप्पी साधे हुए। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों से खबरें आ रही कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी करने वाले। दोनों के अफेयर की खबरें फिल्म ब्रह्मास्त्र से शुरू होने की खबर, जिसमें से शादी की तारीख 22 जनवरी 2020 बताई जा रही थी। अब शादी को लेकर कितनी सच्चाई है ये तो आपको पता ही चल जाएगा। फिल्म कंपेनियन के इंटरव्यू में विजय दरपुरा, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, मनोज बाजपेयी सहित कई सितारे मौजूद थे। विजय से क्विज में पूछा गया वह इंडियन सिनेमा के किस एक्टर से सलाह लेना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए विजय ने कहा, काफी समय से आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण पर उनका क्रश था, लेकिन दीपिका पादुकोण की शादी हो गई है। इसी बीच दीपिका बोल पड़ी कि आलिया भी शादी कर रही है। दीपिका की इस बात के बाद आलिया ने उनसे कहा, एक्सक्यूज मी, तुमने यह घोषणा क्यों की? दीपिका बात साफ करते हुए कहा, यह सब उन्होंने मजाक में बोला था और हंसी में उड़ा दिया। दूसरों की नहीं बल्कि खुद की सोच बदलने से मजबूर करती है। जी हाँ, आयुष्मान खुराना की फिल्म वाला, जिसकी कहानी ऐसे कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बनी हुई है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देती है और खुद से प्यार करना भी सिखाती है। आपने अक्सर ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें शुरुआत में किसी हीरो या किसी हीरोइन की धमाकेदार एंट्री होती है या फिर उनका शानदार इंट्रोडक्शन दिया जाता है, लेकिन आयुष्मान खुराना, भूमि पंडेरकर और यामी गौतम की बाला इन मूवीज से जरा हटके है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म की शुरुआत में सबसे पहले परिचय कराया जाता है बालों का। घने सुनहरे और काले बाल आपकी जिंदगी में इतना अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा आपको बाला मूवी देखकर पता चलेगा। लेकिन आपको ये पता चलेगा, आप काले या मोटे कैसे भी हों, ये ना तो आपकी कमियां हैं और ना ही आपकी कमजोरियां हैं। इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बनी हुई है बाला, जो आपको हंसने पर मजबूर भी करेगी और खुद से प्यार करना भी सिखाएगी।